हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट हमने अपना जमा कर दिया है किसी भी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो जब भी हम उस पैसे को विड्रॉल करेंगे तो आखिर हम पे किस तरीके से टैक्स लगेगा और आखिर कितना टैक्स लगेगा और टैक्स की आखिर कैलकुलेशन क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो काफ़ी लोगों को ये पता ना हो कि लमसम अमाउंट क्या होती है, ठीक है, मगर मुझे जहाँ तक पता है कि सबको पता ही होगा। अगर नहीं है पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लमसम अमाउंट वो होती है जो कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं एक ही बार में, ठीक है, तो उसे हम लमसम अमाउंट बोलते हैं। और उसके बाद में अगर आपका जो पैसा है एक साल से अधिक या फिर एक साल उसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, हो सकता है कि आपका एक ही साल हुआ हो और आप उस पैसे को विड्रॉल करना चाहते हो, या फिर आपने जो पैसा अपना इन्वेस्ट किया है 5-6 साल हो चुके हों या फिर 10-20 साल हो चुके हों, ठीक है, तो ऐसे में जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपको 12.5 जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको 1,25,000 की छूट हो जाएगी। 2023 में, 22 में, 20 में, 19 में क्या था कि आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता था लॉन्ग टर्म पर, ठीक है, इसी के साथ में आपको 1,00,000 की छूट होती थी, ठीक है। पर अब ये 2024 में यहाँ पर ये अपडेट हुआ है, वो हुआ है कि आपको 12.5 टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको 1,25,000 की छूट हो जाएगी। इसी के साथ में अगर आप, कहने का मतलब है अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है आपके ऊपर, यानी कि जो आपका पैसा है उसके ऊपर, ठीक है, तो कहने का मतलब आपको 20% देना होगा। अब कहने का मतलब है कि आपको इसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है शॉर्ट टर्म में कि आपको यहाँ पर टैक्स पे करते समय आपकी जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर घटकर मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जो हमने जमा किया था लॉन्ग टर्म में 2,00,000 रुपए, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर 2,00,000 लिख देते हैं, 2,00,000, और उसी के साथ में हमें 20% का यहाँ पर रिटर्न मिला, यानी कि जो रिटर्न था हमारा वो हमें मिल गया 20% का, ठीक है, जो हमें 20% का यहां पर रिटर्न मिला। इसी के साथ में जो हमारी अमाउंट होती है, यानी कि जो हमारा जींस होता है वो होता है यहां पर 2,98,000, ठीक है, कहने मतलब 2,98,000, ठीक है। इसी के साथ में अब जो हमारी ये वाली अमाउंट और ये अमाउंट हम जोड़ेंगे तो ये बैठेगी 4,00,000 यहाँ पर 98,000, ठीक है। इसी के साथ में अब जो कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इस पर टैक्स लगता है, ठीक है, ताकि इस पर टैक्स हमारा नहीं लगता है, जो टैक्स लगेगा वो हमारा इस पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, तो इस पर अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि 2,98,000, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इसमें होगा क्या कि आपको 1,25,000 की तो आपको छूट यहाँ पर मिल रही है इसमें से, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर कम करेंगे 1,25,000 की, तो 1,25,000 जैसे ही हम यहाँ पर कम करेंगे तब हम देखेंगे कि आखिर हमें यहाँ पर कितना रुपए बचा और उसके बाद में हमें कितना यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। लिख देता हूँ 2,00,000 यहाँ पर 98,000, ठीक है। इसके बाद में हम 1,25,000 को यहाँ पर कम कर देते हैं, तो यहाँ पर हम मैं माइनस करता हूँ, तो 1,25,000 मैंने यहाँ पर कम कर दिया। अब जो हमारा अमाउंट बचा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1,00,000 अगर हम इसमें से 25,000 को यहाँ पर कम कर देंगे तो जो हमारा अमाउंट बचेगा वो बचेगा 1,73,000, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब इस पर जो टैक्स है वो हमारा लगेगा यहां पर, ठीक है। अब ये टैक्स कितना लगेगा, जैसे कि मैं आपको चलिए यहां पर बता देता हूं, जैसे कि ये है, अब हमें यहां पर 12.5 ये हमारा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा 12.5 जो कि हमें टैक्स पे करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर 12 पॉइंट अब यहां पर कर देता हूं, जैसे कि गुणा और इसी के साथ में 12.5, ठीक है, और चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि हमें टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा वो पड़ेगा हमें 21,625 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि
गुणा 12.5 और प्रतिशत, और उसके बाद में जो भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो पड़ेगा हमें 21,625 रुपये। ठीक है, ये हमें टैक्स पे करना ही होगा सरकार के लिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि आखिर यार मैं ये पैसा क्यों पे करूं। ठीक है, तो मैं बता दूं, देखो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स पे करने में कोई भी हानि नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे कि ये है आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये आपका शॉर्ट टर्म आता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल कर देते हैं, ठीक है, तो इस पर आपको टैक्स कितना लगता है? जैसे कि अगर आपको 20% का यहाँ पर रिटर्न मिलता तो हो सकता है, जो कि आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है कि आपको एक साल, ठीक है, एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको 1% देना होगा, या फिर आपको 1.5% भी हो सकता है, या फिर आपको 0.56 या फिर 97-98 भी हो सकता है। ठीक है, ये निर्भर करती है कि आखिर आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आखिर हमें रिटर्न तो मिला कि हमें यहाँ पर 20%, ठीक है, अब यहाँ पर 1% एग्जिट लोड है, तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पर 19% ही मिलेगा। ठीक है, और इसी के साथ में जो भी हमारी अमाउंट है वो होती है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 लाख रुपए हमने निवेश किए होते, और इसी के साथ में यहाँ पर हमें जो 20% का रिटर्न मिलता तो यहाँ पर हमारे 19 हो जाते, तो ये भी आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपको और भी यहाँ पर घटकर मिलता। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आखिर लमसम अमाउंट की हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमें कितना टैक्स पे करना होता है, तो हम ये इस तरीके से निकाल कर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।